हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट है सिंप्लीफाई, ये एक एक्सप्रेशन है, एंड फाइंड इट्स वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, इसमें दो क्वेश्चन है। एक बार एक्स की वैल्यू आपको 3 रखना है तब कुछ आएगा, फिर एक बार एक्स की वैल्यू 1/2 रखना है तब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करके तब वैल्यू फाइंड करनी है दोनों क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट खोल देंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको पता है कि अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, आप कर चुके हैं ये चीज, मोनोमियल का बाइनोमियल मल्टीप्लाई। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में होगा ब्रैकेट के अंदर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 = 12 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी करना पड़ेगा, माइनस से माइनस लगा दो, 3 × 5 = 15 और एक्स अकेले है, यहां तो एक्स है नहीं, तो एक एक्स और ये प्लस का 3 ना। अब क्या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम? आगे सॉल्व करने के लिए लाइक टर्म होना जरूरी है, यानी वेरिएबल सेम होने जरूरी है, उसी को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या किसी में वेरिएबल सेम है? नहीं है ना। देखो यहां पर एक्स है, यहां भी एक्स है, लेकिन इनके पावर में अंतर है, इसकी पावर में 2 है, इसकी पावर में 1 है ना। तो पावर भी सेम होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब यही सिंप्लीफाई है, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसी में हम वो दोनों का वैल्यू रखेंगे। तो अब दोनों क्वेश्चन लगा लेते हैं। वो पहला वाला लगाएंगे, लिख देना फॉर एक्स इक्वल टू 3। अब एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, पहले एक्सप्रेशन एक बार उतार लेना, 12x² - 15x + 3। अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर आपको 3 रखना है। तो 12 और x और 12 के बीच में क्या रिलेशन है आप बता सकते हैं? ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, x के साथ 3 लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि 12 और x के बीच में कोई सिंबल तो है नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं होता है बीच में मल्टीप्लाई होता है, यानी यहां बीच में किस चीज का सिंबल है? मल्टीप्लाई का सिंबल है। और x यहाँ 3 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ऐसे यहां पर भी है, 15 और x के बीच में किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का। तो x यहाँ क्या लिखेंगे? 3 यहां पर भी और प्लस में 3। अब सॉल्व कर लो, ये हो गया 12 और 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 और 3 × 3 कितना हुआ? 9, यानी इंटू में क्या लिखेंगे? 9। और यहां कितना हो गया? 15 × 3 = 45 और वो प्लस में 3 है। और आगे सॉल्व कर लो, अब 12 × 9 = 108 -45 प्लस में 3। अब क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा मिल जाए कि कुछ माइनस हो कुछ प्लस हो, तो पहले प्लस प्लस को अलग से ऐड कर लिया करो और माइनस माइनस को अलग से ऐड कर लिया करो। यहाँ पर तो एक ही माइनस है, उसको रहने दो, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लो। 108 और 3 जब ऐड करेंगे तो 111 हो जाएगा और -45 माइनस करके लिख दो जो आएगा। यहाँ 11 - 5 गया तो हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ बच गया 0, यानी कह दिया अगर 10 हो जाए, 10 - 4 गया तो 6, कितना आ गया? 66, ठीक है। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है जो फाइंड करना था पहले क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि फॉर x इक्वल टू 1/2, ठीक। अब फिर से यही एक्सप्रेशन एक बार लिखेंगे हम, जो हमारा आया है 12x² - 15x + 3। 12 तो 12 ही रहेगा, x की जगह क्या लिखेंगे? 1/2। और अगर इसके हम स्क्वायर करते हैं, अगर आप ऐसा लिख देते हैं x की जगह आपने 1/2 लिख दिया और स्क्वायर लगा दिया, तो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि अभी जो स्क्वायर है ना वो केवल 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। इसीलिए जब भी फ्रैक्शन में हो और पूरे का स्क्वायर लगाना है तो आप ब्रेकेट लगा के तब स्क्वायर लगाएंगे, तब ये दोनों के स्क्वायर माना जाएगा। और ये -15 और इंटू एक्स यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 और ये प्लस का 3, ठीक। अब आगे सॉल्व कर लो, ये तो अभी 12 ही रहेगा इंटू, अब इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 × 2 = 4 और ये -15। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 से 15 कट नहीं रहा, नहीं तो काट देते ना, तो 15 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले मत कर देना गलती से, 15 × 15 और नीचे रहे 2 और ये प्लस का 3। फिर ये कट रहा है, इसको कट रहा है तो काट दो, 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 3 बार
ना, तो कितना आ गया, थ्री बन जाए, थ्री माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3, एक माइनस का है ये वाला और ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस को ऐड कर लो, 3 और 3 कितना हो गया 6 और माइनस 15 अपॉन 2। अब जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, जहां पे तीन नंबर इस तरह से मिल जाए तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 6 जा 12 और इसके ऊपर वाला वैसे ही रहेगा 15 और पूरे का अपॉन में 2, ठीक है। अब 12 में से 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा, आगे लिख दो आंसर, नीचे शायद दिखे ना आपको, 12 में से 15 जाएगा तो आएगा बेटा माइनस का 3, और ये माइनस का 3 कैसे आएगा ये आपको पता होगा क्योंकि आप इंटीजर के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इंटीजर पढ़ लेना बेसिक का, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, अब ये सॉल्व नहीं होगा ना, कट तो काट देते हैं, ये इसकी वैल्यू आ गई सेकेंड एक्स, जब एक्स की वैल्यू हमने 1/2 माना तब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वो आ गई, ठीक है। तो यही आपके दोनों सोल्यूशन है, आइए बी पार्ट, आइए बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में भी सेम ही है, एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद तीन क्वेश्चन है और हर एक्सप्रेशन इसी एक्सप्रेशन में फिर तीनों क्वेश्चन में, मतलब एक बार ए की वैल्यू हम 0 रखेंगे, एक बार ए की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार ए की वैल्यू -1 रखेंगे, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ए है फिर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ब्रैकेट बाहर है प्लस 5, ठीक। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि हम ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके अंदर सभी में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो ए का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यूब, अब तक तो इतना समझ में आ ही गया होगा ये ए क्यूब कैसे हुआ ना, क्योंकि दोनों का हो रहा है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, इसका पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 ऐड होकर 3 हो गए। ऐसे ही जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी पावर 1, इसमें भी पावर 1, तो कितना हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वायर, फिर ए का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ए बन जाए ए ही होगा, अब ब्रैकेट खुल गया ये तो प्लस 5 है ही। अब क्या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको देखना है कि लाइक टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म मीन्स वेरिएबल भी सेम हो उनकी पावर भी सेम हो, तो क्या इसकी पावर सेम है, यहाँ ए की पावर 3 है, यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, पावर सेम नहीं है ना, तो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, यही हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब एक एक करके तीनों क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं, फॉर ए इक्वल टू 0, जब ए की वैल्यू हम 0 रखेंगे तब, एक बार एक्सप्रेशन उतार लो पूरा जो आया है सिंप्लीफाई करने के बाद, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब ए की जगह क्या लिखेंगे, 0, यानी 0 का क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 और प्लस 5, और 0 का क्यूब कितना भी कर दे, 0 का पावर कितना भी लगा दे, 0 0 जा 0 वो तो 0 ही रहेगा ना, ये तो 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, ये तो ऑलरेडी 0 है और ये प्लस 5, और सबको जब ऐड करेंगे तो 5 ही होगा। ये आपका आंसर आया फर्स्ट क्वेश्चन का, जब ए की वैल्यू 0 रखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही लगा लो, फॉर ए इक्वल टू 1, तो फिर से एक बार एक्सप्रेशन उतार लो जो आया हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब एक जगह हम 1 लिखेंगे इस बार, सेकेंड वाले में 1 है ना, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। अब 1 का क्यूब करें या कुछ भी करें, 1 1 जा 1 1 जा 1 कितना भी बार 1 हो वो तो 1 ही आएगा ना, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, और ये ऑलरेडी 1 है और ये कितना है 5, और सारा ऐड कर दो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 5 8। सेकेंड का आंसर कितना आ गया 8। इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग अलग आ रही है, जब ए की वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं तो। अब थर्ड वाला लगा लेते हैं, थर्ड वाले में ए की वैल्यू कितना रखना है, माइनस का 1, ठीक है। यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहां भी माइनस आ जाए दोनों कान खड़े करके सतर्क हो जाया करो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक्सप्रेशन उतार लो, ए रेज टू द पावर 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। अब माइनस 1 पावर 3, ठीक, प्लस
अब माइनस है ना, तो ब्रैकेट में करके करो, माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस फाइव। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, ध्यान देना, जब भी आपको माइनस मिल जाए आप पहले काम ये करेंगे ब्रेकेट लगाएंगे, ब्रेकेट लगाएंगे तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस वन का क्यूब कर दिया, ये वाला प्लस यहाँ पर है, फिर एक ही जगह हमने माइनस वन लिखा, माइनस वन का स्क्वायर, अब ये वाला प्लस ये है, फिर एक ही जगह हमने माइनस वन लिखा, ठीक, और ये प्लस फाइव। अब माइनस वन का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन का क्यूब करने का मतलब क्या है कि माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो क्या आएगा, वन तो आएगा लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये देखना है। यहां कितने माइनस है, एक दो तीन। अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ माइनस, जैसे यहां तीन माइनस है, ऑड नंबर में हो, तीन ऑड नंबर है ना, तो आंसर जो आएगा माइनस का आएगा। अगर ऑड नंबर में माइनस हो, तीन माइनस हो, पांच माइनस हो, सात माइनस हो, तब माइनस का आंसर आएगा। और नंबर ऑफ माइनस अगर इवन हो, जैसे यहां पर माइनस वन का स्क्वायर क्या हुआ, मतलब माइनस इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, दो ही माइनस है ना, तो यहां पर प्लस का वन आएगा, ठीक। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना, वैसे यहां पर भी है माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये इतना तो प्लस हो गया ना, माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मिलकर प्लस हो गए, अब जो तीसरा बचा तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसीलिए बस आपको इतना याद रखना है कि माइनस अगर ऑड नंबर में है, तीन माइनस है, सात माइनस है, पांच माइनस है, तो माइनस का आंसर आएगा, और माइनस इवन नंबर में है तो प्लस का आंसर आएगा। और यहां माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन तीन बार हुआ है, इसलिए माइनस का वन ही आएगा, ठीक है। और यहां पर देखो प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन दो बार स्क्वायर है ना, तो प्लस का वन आएगा, और प्लस का वन आ गया तो प्लस का वन लिख दो, ठीक। माइनस आता तब यहां पे दिक्कत होती कुछ, लेकिन प्लस का वन आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो जब ब्रेकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और वन है तो वन, ब्रेकेट खुलने बाद माइनस हो गया, और प्लस फाइव। अब क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी आपको ऐसा मिले कि कई सारे इंटीजर हो, कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, तो आप यही काम करना कि प्लस प्लस को अलग ऐड कर लो, माइनस माइनस को अलग ऐड कर लो, ठीक है। पहला आप यही काम करेंगे, तो प्लस प्लस को ऐड कर लो, फाइव है प्लस का और ये एक वन है प्लस का, फाइव और वन सिक्स। माइनस माइनस को अलग ऐड करो, कितना माइनस है, दो माइनस है, एक यहां, दोनों को ऐड कर लो, माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, और सिक्स माइनस टू गया तो कितना आ गया, फोर। आंसर कितना है हमारा, फोर आया, ठीक है। ये थर्ड एक्सप्रेशन के लिए था, तो ये था क्वेश्चन नंबर फोर, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, तब तक के लिए जय हिंद।